लोकसभा चुनाव 2024 के अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं कन्नौज लोकसभा में। तिरवा विधानसभा है, गांधी चौक के पास एक मार्केट के अंदर देख सकते हैं मैं एक कपड़े की दुकान में हूं। हमारे साथ व्यापारी भी हैं और कुछ यहां पे खरीदार भी होंगे। आज मैं चुनावी सरगर्मियों को लेकर के आज यहां पे कन्नौज की जनता के बीच में मौजूद हूं, तो देख लेता हूं कि क्या व्यापारियों का क्या मनसा है इस बार और आम जनता क्या सोचती है इस बार चुनाव को लेकर के। बातचीत करेंगे इसी टॉपिक पर। क्या ख्याल है चाचा इस बार चुनाव उनाव में? अखिलेश यादव जी यहां पे आ चुके हैं आपके लोकसभा में। अखिलेश यादव पहले भी आ चुके, आवाज दोबारा आए। इच्छा तो बहुत है मगर वोट हम हिंदुत्व को देंगे। हिंदुत्व को? हाँ। तो हिंदुत्व की लड़ाई कौन लड़ रहा है? वो तो योगी जी लड़ रहे हैं और मोदी जी लड़ रहे हैं। तो ये हिंदुत्व का मुद्दा किस आइडियोलॉजी पे भारी पड़ रहा है? सभी पे। आप जब फिर वही बात, विकास पे सभी पे भारी है। लेकिन अखिलेश जी जो है वो खाली उसी एक समुदाय का ज्यादा विशेष प्रेमी है। संसद वो भी यहाँ रह चुके हैं। तो दोनों लोग के आपके इसमें बीजेपी के सांसद हैं, वो जी भी सांसद रह चुके हैं यहाँ। बीजेपी के सांसद की स्थिति ये है कि वो कभी भी यहाँ 5 वर्ष में आए नहीं, कभी भी। तो बीजेपी सांसदों से नाराजगी है लेकिन मोदी जी से प्रेम। हाँ, तो इसीलिए तो। तो सांसद काम करे ना करे वोट मोदी जी को जाएगा। वोट तो मोदी जी को देंगे। लेकिन अब यहाँ पे अखिलेश यादव जी पिछली बार डिंपल यादव लड़ी थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी चुनाव में है, क्या लगता है इस बार रास्ता आसान हो जाएगा बीजेपी के लिए? नहीं, बीजेपी के लिए आसान मोदी जी की वजह से है, अखिलेश माने सुब्रत पाठक की वजह से नहीं है। अच्छा, जैसे आप व्यापारी हैं चाचा, तो एक मोदी सरकार पे ये भी एक आरोप लगता है कि छोटे व्यापारियों या जीएसटी से कहीं ना कहीं व्यापारियों के एक मार पड़ी है उनके ऊपर। वो तो वो ये क्या आप लोगों को फर्क पड़ता है इससे? इससे हम लोग सच्चाई है, इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा फर्क है। हम लोग जीएसटी की मार पूरी है। ये सब इन लोगों ने बड़े लोगों को जो है वो किया है, हम लोगों को बिल्कुल मार डाला। ग्रामीण अंचल में जो हम लोग बैठे हुए हैं, ये हम लोगों को जीएसटी ने बिल्कुल मार कर। जैसे जब जीएसटी आप लोग पे असर कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो आपके यहाँ पे खरीदार आते होंगे तो सब पर है, पूरी जनता पे, पूरी जनता पे। कहीं ना कहीं ये लोग गरीबी का मतलब एहसास होता है, लोग आते हैं कहते हैं कि बहुत महंगाई बढ़ गई है। महंगाई की मार तो हर आदमी झेल रहा है बेचारा। लेकिन सरकार का एक वादा था 2014 में, लाउड स्पीकर बजती थी, बैनर पोस्टर लगते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो उस नारे का क्या हुआ? मोदी सरकार तो है, महंगाई बढ़ गई है। मोदी सरकार से महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाई, वो नहीं हो पाई, लेकिन वोट फिर भी मोदी जी को जाएगा। वो हिंदुत्व की बात है, हिंदुत्व की बात है, जहाँ हिंदुत्व की बात है वहाँ पीछे नहीं। ये आपने बहुत सत्य बात बोली है। क्या कहना चाहेंगे भैया? भैया और आप बताओ दोस्त, क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। आप नौजवान है, पढ़ाई वढ़ाई किए हैं? जी भाई साहब। जी जी, कितना पढ़ाई किए हैं आप? अभी तो बीएससी चल रही है हमारी, और हमारे यहाँ जो लोकसभा से प्रत्याशी हैं श्री सुब्रत पाठक जी भारतीय जनता पार्टी से, और सपा से श्री अखिलेश यादव जी हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था दोस्त कि आप अभी बीएससी किए हैं, अच्छी पढ़ाई कर चुके हैं, आगे कंपटीशन की तैयारी वगैरह है, केंद्र सरकार से कई ये है कि मोदी सरकार ने 14 में कहा था, उस समय तो खैर आप इसके लायक नहीं, उसके लायक नहीं थे तब ना जब। लेकिन नौकरी के मामले में या रोजगार के मसले पे मोदी सरकार कितना खरा उतर पाई है अपने बयान? खरा क्या, खूब खरा उतर रही है। जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन विद्यार्थियों को, जैसे अग्निवीर हुई,
एयरफोर्स या इंडियन आर्मी, कई योजनाएं। अग्निवीर योजना का आप समर्थन? अग्नि जी बिल्कुल समर्थन करते हैं। अग्निवीर क्यों नहीं समर्थन करते हैं? 3 साल आप नौकरी करिए, उसके बाद आपका बीमा होता है। 3 नहीं 4 साल। 4 साल हाँ, जो भी है 3-4 साल और अच्छी योजना है। लेकिन ये है कि उसको समझने में कुछ लोगों का फेर है, तो उसको समझने में दिक्कत हो रही है। आपके परिवार में कोई अग्निवीर योजना का तैयारी कर? हाँ, हमारे ताऊ जी के बेटे हैं, वो अग्निवीर में हो भी, उनके बेटे का हो भी गया सिलेक्शन, और हम भी अग्निवीर का एक बार पेपर अभी दिए थे, तो अभी उसका रिजल्ट वगैरह नहीं आया। अग्निवीर योजना के साथ में जो वहाँ पे जो भर्ती में जाते हैं उनके साथ एक समस्या रहती है कि अगर बाय चांस वो शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा जैसे आम मिलिट्री वालों को? नहीं नहीं, ऐसा है, सरकार ने उस अपना जो कि वो गाइडलाइंस जारी की है अग्निवीर के तहत, वो गाइडलाइंस ये है कि अगर आप शहीद हो भी जाते हैं तो उसको आपको पूरे परिवार को फंड जो मिलता है बीमा तहत मिलता है, आप अगर जो भी पूरी मतलब उसकी प्रक्रिया है वो पूरी मिलेगी आपको। एक विश्वास है मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का एक विश्वास है कि जो भी उसकी गाइडलाइंस हैं वो जारी है, तो उसको पूरा लाभ मिलेगा, बेनिफिट उसे पूरा मिलेगा। जो एक शहीद की पत्नी या उसके माता या पिता या बच्चे जिसको जो मिलना है उसका पूरा अधिकार उसको मिलता है, मेरा मानना ये है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में 80 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें बीजेपी की? देखिए ये अभी संभव नहीं है कितनी जीत रहे, लेकिन ये है कि ये चुनाव जो है ये चुनाव मोदी जी के नाम पर है, तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है हर कार्य। तो ये और हमारे यहाँ से श्री सुब्रत पाठक जी भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं, तो उनको अवश्य वोट करेंगे भाजपा। मतलब यहाँ से आप भाजपा को? जी जी जी, वोट करेंगे जी। आप कुछ कहना चाहेंगे चाचा, कुछ कहेंगे? क्या माहौल है इस बार? माहौल तो ठीक है, दोनों तरफ लग रहा है। आपका क्या इरादा उरादा है? आप वोट किसको देंगे? अब हम क्या बताएं? अरे वो बताइए जो आपके दिल में हो, अपने दिल में कुछ आपने ठाना होना है किसी को वोट देने। ऐसा है, हाँ। काम मोदी भी कर रहे हैं अच्छा, हाँ। और कुछ अखिलेश भी काम करते हैं, इनके मोदी अखिलेश जो कह देते हैं, हाँ। वो करते जरूर हैं, तो हाँ। उनको वोट मिले या न मिले वो तो, काम करके दिखाते हैं। तो आपका क्या इरादा है इस बार चुनाव नाव में, किसको वोट करने का सोच रहे हैं आप? तो हम तो भाई अखिलेश ही देंगे वोट, अखिलेश जी को वोट करने वाले हैं। तो आपके मतलब काम काम करके दिखाया, इसलिए पहले बहुत कुछ देखो वो बनाया है, मेडिकल कॉलेज बनाया है और मतलब पैरा मेडिकल इंजीनियर कॉलेज बनवाया, सड़कें बनवाई हैं, ये उन्होंने कुछ अच्छे काम किए यहाँ से कन्नौज से, तो इसलिए आप वोट देख सकते हैं। व्यापारी के साथ आम जनता के साथ में यहाँ पे कपड़े की दुकान में मैं मौजूद था और देखा कि चाचा ने जो व्यापारी हैं वो भी अपनी राय रखे कि कहीं ना जीएसटी की जो एक लगातार मोदी सरकार पे जो आरोप लगता है कि छोटे व्यापारी हो या मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं कहीं ना कहीं इसके जीएसटी के चपेट में है और इससे आम जनता के जेब पे असर बाकायदा पड़ रहा है। तभी चाचा ने बताया कि वाकई में लोग कहीं ना कहीं इससे परेशान है। और रही बात वोट करने की, तो इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही वोट लोग कर रहे हैं, और रही बात संसदीय क्षेत्रों और विधायक के कार्यकाल पे, तो लगातार प्रश्न चिन्ह उनके कार्यकाल पे रहा ही है। हर जगह जहां मैं गया हूं तहां वो उनके कार्यकाल पे प्रश्न उठते ही जा रहा है कि वो अपने क्षेत्र में मौजूद नहीं रहते या उनका कोई कार्य लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन लास्ट के अंतिम में अगर वो वोट करने भाजपा को जाते हैं तो उनको प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखाई दे रहा है। अब आप इस पूरी वीडियो के ऊपर क्या राय रहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।